हेलो इंडिया प्यारे देशवासियों को मेरा अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर कुमार पुनीत गोयल है और मेरे यूट्यूब चैनल ए टू जेड करियर ट्रिक ट्रिक्स में आपका स्वागत है। आपके लिए पहली बार जबरदस्त ट्रिक, संधि मात्र 3 सेकंड में आप आंसर कर पाएंगे हिंदी ट्रिक से। संधि, संधि के लिए स्पेशल ट्रिक लाया हूं और एक संधि के दो तरीके मैं आपको बताऊंगा। पहले सबसे हम बात करते हैं स्वर संधि की। स्वर संधि 5 तरह की होती है। इसके बाद व्यंजन संधि और विसर्ग संधि एक एक होती है, ये बाद में बताऊंगा मैं आपको। टोटल 7 संधियां मैं आपको बताऊंगा। 5 स्वर संधि कौन कौन सी होती हैं? गुण संधि, यन संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि और दीर्घ संधि। ये 5 मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे गुण संधि की। इसके लिए मैंने एक ट्रिक का इस्तेमाल किया है, वो ट्रिक क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहां पे मैंने लिखा है ए आ ई ऊ ए ए ओ औ और री ऋषि। ये 11 स्वर होते हैं जैसा कि आपको पता है। इन स्वर के मेल के आधार पर ही संधि होती है। जब किसी वर्ड के 2 स्वर आपस में मिलते हैं, जैसे देव में लास्ट का स्वर और इंद्र में पहला स्वर जब मिलता है, उससे जो संधि बनती है यानी जोड़ बनता है उसे संधि बोलते हैं। देव जमा इंद्र हो जाता है देवेंद्र। ये तो बात हुई, लेकिन मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। मैं आपको कोई थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूं, ना संधि के बारे में थ्योरी से मैं आपको समझा रहा हूं। ये एक टेक्निक है और टेक्निक में आपको याद रखना है ए आ एक ए ग्रुप में आते हैं, याद रखिएगा। ये एक ए ग्रुप है जिसमें ए आता है, एक बी ग्रुप है जिसमें छोटी बड़ी ऊ और बड़ा ऊ और री ऋषि आता है, और सी ग्रुप में ए आए ओ औ आता है। 11 स्वर है ये आपको पता ही है। उसके बाद व्यंजन होते हैं। इन 11 स्वरों को मैंने 3 ग्रुप में बांटा है, ए ग्रुप, बी ग्रुप और सी ग्रुप, और इनके जोड़ से ही संधि बनती है। बस इन्हीं चीजों को आपको याद रखना है और समझना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं गुण संधि की, बाकी सारी संधि मैं हटा देता हूं, गुण संधि की बात करते हैं। गुण संधि के लिए आपको याद रखना है जो ग्रुप मैंने बताया ए बी सी, इसमें जब ए के साथ बी मिले, ए के साथ जब बी मिले तो गुण संधि होती है। ए के साथ बी मिलने का मतलब क्या है? ए के साथ छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ री ऋषि मिले, या आ के साथ मिले छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ री ऋषि। जैसे देव में, अब लास्ट में देव में जो आता है स्वर वो क्या आता है? ए आता है। और इंद्र में जो पहला स्वर आता है वो ई आता है, यानी ए के साथ ई का मेल हो रहा है, यानी ए के साथ बी का मेल हो रहा है। और जहां भी ए के साथ बी का मेल हो वो होती है गुण संधि। देव जमा इंद्र देवेंद्र हो गया, बस गुण संधि को आप आसानी से समझ सकते हैं, देवेंद्र हो जाएगा। अब गुण स्वर संधि के जो नियम है उसमें आपको याद रखना है ए ओ अर, ए ओ अर, ए ओ के साथ अर और याद रखिए, बस ये 3 वर्ड याद रखिए। ये दूसरा नियम है। पहला नियम मैंने आपको बताया ग्रुप के आधार पर, ए के साथ बी मिले यानी ए ग्रुप के साथ अगर बी ग्रुप का स्वर मिले तो गुण संधि होती है। ये नियम है। ए, ए की मात्रा होती है सिंगल, जो सिंगल मात्रा होती है ए की, या ओ की मात्रा, जैसे देवेंद्र में देवेश में, गुणेश में, नरेंद्र में नरेश में, सब में एक मात्रा है ए एडी वाली, ओ ओखली वाली, चंद्रोदय में, भाग्योदय में, सूर्योदय में, ठीक है, इनमें ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा, ए की मात्रा और अर। अगर ए के साथ ई मिले, ए के साथ ऊ मिले और ए के साथ री ऋषि मिले, एक वर्ड होता है महर्षि, सप्तऋषि, इन सब में ए के साथ जब री ऋषि वाला मिलता है तो अर हो जाता है महर्षि अर। तो ए ओ अर गुण स्वर संधि के उदाहरण। 2 टेक्निक आप याद रखेंगे गुण संधि के लिए, ए के साथ बी ग्रुप मिले, ए ओ और अर मिले, वहां पे गुण स्वर संधि होती है, ठीक है। अब देखते हैं स्वर संधि का नया। गुण संधि में आपको बता चुका हूं, अब लेते हैं यण संधि। यण संधि में क्या होता है? बी के साथ भिन्न स्वर, यानी बी के साथ कोई और ग्रुप मिले, चाहे तो वो ए का मिले चाहे वो सी ग्रुप का मिले, यानी बी के साथ जब ए जुड़े या सी ग्रुप का कोई भी स्वर जुड़े वहां पे यण संधि होगी। बी के साथ यानी ई ई ऊ औ, छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ री ऋषि के साथ आ मिले, या सी ग्रुप के ए आए ओ औ मिले। ये 3 ग्रुप आपको याद रखने, ए बी सी ग्रुप, किस ग्रुप में कौन सा स्वर होना है ये आपको याद रखना है। और बी के साथ जब भी भिन्न स्वर मिलता है तो वो यण संधि होता है, यानी कि बी के साथ भिन्न स्वर, जैसे अभी में अंतिम स्वर क्या है? ई, अभी छोटी, और आस, अभी जमा आस, इसमें पहला स्वर गया आ, ई के साथ आ मिला,
यानी बी के साथ ए ग्रुप मिल गया तो ये यण संधि हो गई। यण संधि का एक तरीका मैं और आपको बता देता हूं। यण संधि में आता है ये रे वे, याद रखिएगा। यण संधि के लिए एक तरीका और बता देता हूं, ये रे वे कोई ना कोई अधूरा शब्द होगा, ये रे और वे के साथ कोई ना कोई आधा या अधूरा शब्द होगा। देखिए यहां पे प्रत्येक में य के साथ आधा तय, यद्यपि में आधा दे, इत्यादि में आधा तय, अभ्यर्थी में य के साथ आधा भय, अध्यादेश में य के साथ आधा धय, अभ्यास में य के साथ आधा भय, कुछ ना कुछ आधा आता हो यानी अधूरा वर्ण आता हो, उन सब में यण संधि होगी। यानी के आपको याद रखना है ये रे वे के साथ कभी भी य के साथ, रे के साथ और वे के साथ अधूरा वर्ण आता हो वहां पे यण संधि होगी। देखिए स्वागत में वह से पहले आधा से, स्वल्प में वह के साथ आधा से, वधवागमन में वह के साथ आधा दे, यह के साथ, वह के साथ या रे के साथ। देखिए पित्रादेश इसमें आधा तैयारा रे के साथ, पित्रादेश, देव्यान यह के साथ, वह कुछ भी आधा है यह रे वे के साथ। तो दो तरीके इसके हो गए यण संधि के, आप याद रखेगा। एक तरीका मैंने आपको बताया है बी ग्रुप के साथ भिन्न स्वर, बी ग्रुप के साथ या तो ए ग्रुप का मिले या सी ग्रुप का मिले तो यण संधि होगी, या ये रे वे के साथ आधा वर्ण आता हो वहां पे यण संधि होगी। देखिए इन पांच संधि में दो संधि मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया है, गुण संधि और यण संधि। सबसे पहले गुण संधि की बात करते हैं। मैंने आपको तीन ग्रुप बताए, ए बी सी, ए में ए आ, बी में छोटा ई बड़ा ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ऋषि, और सी ग्रुप में ए आई ओ औ। ए के साथ का जब भी ग्रुप बी मिलेगा तो वहां पे गुण संधि होगी। गुण संधि का एक उदाहरण बताया मैंने, ए ओ आर, ए ओ आर, ए की मात्रा, ओ की मात्रा या अर कहीं आए वहां पे गुण संधि होती है। दूसरी संधि मैंने आपको बताई यण संधि। यण संधि में मैंने बताया बी ग्रुप के साथ या तो ए ग्रुप मिले या सी ग्रुप मिले, कोई सा भी ग्रुप मिले, बी ग्रुप के साथ या तो ए मिले या बी ग्रुप के साथ सी ग्रुप का स्वर मिले तो यण संधि होती है। और इसका एक और उदाहरण बताया मैंने, ये रे वे के साथ कोई अधूरा वर्ण आता हो, यानी ये अधूरे शब्द कहलाते हैं जिसमें अधूरा वर्ण आया हुआ हो, बस इस तरह से आपको ये याद। अब तीसरा लेते हैं, तीसरी संधि या अयादि संधि। गुण संधि यण संधि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अयादि संधि में सी, देखिए मैंने लगातार लिया है, ए के साथ बी लिया था, बी के साथ सी या ए लिया था, अब सी पहले आना है और सी के साथ भिन्न स्वर आता है तो वहां पे अयादि संधि होती है। तो भैया ए के साथ बी लिया और बी के साथ ए और सी लिया था भिन्न स्वर, अब अयादि संधि में सी के साथ भिन्न स्वर लेना। सी के साथ भिन्न स्वर कैसे लेंगे, सी के साथ या तो ए ग्रुप आए या बी ग्रुप का स्वर आए तो वहां पे अयादि संधि होती है। देखिए नायक, नायक का संधि विच्छेद होगा ने जमा अक, ने में आती है मात्रा, आए एनक की मात्रा आती है ने में, और इसके साथ यानी सी ग्रुप के साथ जो पहला स्वर मिल रहा है वो ए यानी ए, सी के साथ यहां पर ए ग्रुप मैच हो रहा है तो यहां पे अयादि संधि आ रही है। तो याद रखेगा जैसा कि मैंने आपको बताया, गुण संधि में ए प्लस बी, यण संधि में बी के साथ सी भिन्न स्वर, और अयादि संधि में सी के साथ भिन्न स्वर आता है, अयादि संधि में सी के साथ भिन्न स्वर आता है। अब आराम से इसको सोल्ड कर पाएंगे बड़ी इजीली, ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा मुझे लगता है। अब आगे देखते हैं अयादि संधि को याद करने का तरीका। अयादि संधि में आए आओ आव आ जाता है, याद रखेगा इसमें ज्यादातर ऊपर की और नीचे की मात्रा नहीं होती, नीचे की तो कोई मात्रा ही नहीं होती, नीचे की मतलब ज्यादा भुवन नहीं होगा, यानी ऊपर की मात्रा ज्यादातर पवन पावन, शयन शायक, गायक नायक, पावक श्रावण, श्रवण नैन, चैन भवन, सिंपल वर्ड होंगे, सिंपल वर्ड तीन लेटर के ज्यादा यानी तीन वर्णों के ज्यादातर आपको शब्द मिलेंगे अयादि संधि में। तो पवन पावन, शयन शायक, गायक नायक, इनमें कहीं भी आपको नीचे की मात्राएं नहीं दिखेगी, ऊपर की मात्राएं नहीं दिखेंगी, आए आए और आओ ये बन जाता है, पो जमान का पवन हो जाएगा, ओ के साथ ए मिलके अव हो जाएगा, आए आओ, बस ये याद रखना है आपको, आपको ये संधि भी याद रहेगी। तो तीन संधि आपको अच्छी तरह याद हो गई होंगी, गुण संधि में ए के साथ बी, यण संधि में बी के साथ भिन्न स्वर, और अयादि संधि में सी के साथ भिन्न स्वर। अब बात करते हैं वृद्धि संधि की। वृद्धि संधि में आता है ए के साथ सी, और ये बहुत आसान है याद करना, ए के साथ ग्रुप सी आएगा। देखिए ए के साथ ग्रुप सी कैसे आएगा, ए के साथ ग्रुप सी यानी ए आ के साथ
ए आए ओ औ कुछ भी आएगा, यानी ए के साथ अगर ए जुड़ेगा तो ए बनेगा और ए या आ के साथ ओ जुड़ेगा तो औ बनेगा। देखिए यहां पे आपको मैं उदाहरण से बता देता हूं, सदा जमा है सदैव हो जाता है, सदा में लास्ट का जो स्वर है वो है आ और एव में जो पहला स्वर है वो ए, आ के साथ ए हो गया तो ए बन गया सदैव, दो मात्रा। याद रखिएगा वृद्धि संधि में ऊपर दो मात्राएं आती हैं, या तो ए की होंगी या औ की ओर होंगी, औ औरत की होंगी, ये मात्राएं आप याद रखिएगा, वृद्धि हो रही है यहां पे। वृद्धि संधि को याद करने का तरीका यही है कि आपको ये दो मात्राएं हमेशा हमेशा मिलेंगी कहीं ना कहीं किसी में भी, सदैव में दो मात्रा, तदैव में, मतैक्य में, परमोजस्वी में, महेश्वर्य में, परमोसद में, जलोद में, महोद में, नवेश्वर्य में, महोजस्वी में, महोदार्य में, एकक में, वृद्धि संधि में सभी में आपको दो मात्रा मिलेंगी अय की और औ की। बस इस तरह से आपको ये याद रखना है। पांच संधि में से अब आपको मैं चार संधि बता चुका हूं, ए प्लस बी, बी के साथ बिन स्वर यण संधि, सी के साथ बिन स्वर अयादि संधि और ए के साथ सी ग्रुप के स्वर अगर मैच होते हो वृद्धि संधि, जहां पे दो मात्राएं आती हो। और अब बचता है पांचवी संधि, स्वर संधि की पांचवी संधि है दीर्घ स्वर संधि, इसमें दो सवर्ण आते हैं। दो सवर्णी स्वर्ण क्या होते हैं, सवर्णी स्वर आपस में जुड़ते हो तो वहां पे आती है स्वर संधि। जैसे हिमालय में देखिए, हिम में अंतिम स्वर आ रहा है ए और आल्य में आ रहा है आ, इसी तरह ई के साथ ई जुड़े, यहां पे इन ग्रुप में जब प्लस का निशान हो, क्योंकि संधि तभी बनती है जब दो शब्दों को जोड़ा जाता है और एक नया अर्थ वाला शब्द बन जाता है। हिम मीन्स होता है बर्फ और आल्य मीन्स होता है रहने का स्थान, हिम जहां पे रहता हो यानी हिमालय, ए के साथ आ, ई के साथ ई, ऊ के साथ ऊ, ए के साथ आए, ओ के साथ औ, इनमें से कोई भी स्वर, पांच स्वर्णी शब्द होते हैं, पांच जोड़े होते हैं स्वर्णी शब्दों के, अगर स्वर्णी शब्द जुड़े हैं तो दीर्घ स्वर संधि वहां पे होती है। हिमालय में ए और आल्य का आ जुड़ते हैं तो बड़ा बन जाता है, इसमें आ बन जाता है तो हिमालय। इस तरह से आपको ये पांचों संधि याद हो गई होगी। एक बार और वीडियो को देखेगा, अच्छी लगे तो आप शेयर जरूर करिएगा, और जितने भी आपके पास व्हाट्सएप के ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप हैं, उन सब में मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। लाइक का बटन दबाने के बाद अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ए टू जेड सीक्रेट ट्रिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल वाला आइकन भी दबा दें। अभी यहां पे दो संधि और बचती है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये भी बड़ी आसान है। अगर आपको स्वर संधि याद हो गई तो व्यंजन संधि याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी आसानी से आप व्यंजन संधि को कर सकते हैं। व्यंजन 33 होते हैं, 11 होते हैं, सभी को पता है। तो व्यंजन संधि के लिए मैंने लिया है, जब व्यंजन में कोई भी ग्रुप जुड़े, स्वर का कोई भी ग्रुप जुड़ जाए, यानी ए ग्रुप या बी ग्रुप या सी ग्रुप, ये तीन ग्रुप मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ए आ ए ग्रुप में आते हैं, ई ई ऊ औ और री ऋषि बी ग्रुप में, ए आए ओ औ सी ग्रुप में, यानी पहले शब्द में जब दो शब्द जुड़ते हैं तभी संधि बनती है, तो पहले शब्द में व्यंजन हो और दूसरे शब्द में स्वर हो या व्यंजन हो। देखिए स्वर भी हो सकता है, दूसरे शब्द में व्यंजन भी हो सकता है, यानी व्यंजन के साथ व्यंजन, व्यंजन के साथ स्वर, ए का या बी का या सी का कोई भी जुड़ता हो, व्यंजन यानी पहला स्वर किसी शब्द का अंतिम अक्षर व्यंजन हो और दूसरे शब्द का पहला अक्षर चाहे व्यंजन हो चाहे स्वर हो, वहां पे व्यंजन संधि होती है, व्यंजन से शुरू होने वाली ही व्यंजन संधि कहलाती है। जगत में तय, जगत में आ रहा तय जो कि व्यंजन है तय ग्रुप का, और नाथ में आता है व्यंजन ने, ये दोनों व्यंजन है तन, तय और ने मिलके जगत का नाथ जगन्नाथ बन गया है और यही व्यंजन संधि की पहचान। अब बात करते हैं व्यंजन में ए ग्रुप मिले, बी ग्रुप मिले या सी ग्रुप मिले, या व्यंजन के साथ व्यंजन मिले, वहां पे व्यंजन संधि हो। फिर आती है विसर्ग संधि, विसर्ग संधि कैसे करेंगे, विसर्ग संधि सबसे आसान है पहचानना, पहला शब्द विसर्ग के साथ होगा और दूसरा शब्द स्वर या व्यंजन कुछ भी हो सकता है विसर्ग के साथ, इन्हें आप एग्जांपल से समझ सकते हैं, सबसे आसान है। नी फल में निष्फल हो गया, नी और फा यानी व्यंजन है, विसर्ग संधि आपको आसानी से याद हो जाएगी। चलिए एक बार और उदाहरण ले लेता हूं मैं, यहां पे अलग से एग्जांपल लिए हैं, पहले हम गुण संधि की बात कर रहे हैं। गुण संधि में ए ग्रुप के स्वर के साथ बी ग्रुप का स्वर मिलता है, भाग्य जमा उदय दो शब्द हैं, भाग्य में ए ग्रुप का ए है और उदय में बी ग्रुप का ऊ है, ए के साथ ऊ मिल गया भाग्योदय हो गया है, गुण संधि ए के साथ बी। फिर बात करते हैं हम यण संधि की, यण संधि में मैंने आपको बताया बी के साथ भिन्न स्वर, यहां पे हमने लिया सु जमा आगत स्वागत,
बी के साथ भिन्न स्वर, बी के साथ भिन्न स्वर क्या, बी के साथ ए का स्वर या सी का स्वर कुछ भी मिल जाए, वहीं पे बनता है यण संधि। और यण संधि के लिए मैंने आपको एक तरीका और बताया था, ये रे वे, ये याद रखेगा, ये रे और वे के साथ अधूरा अक्षर आता हो, यानी आधा अक्षर आता हो, जैसे यहां वे के साथ आधा से आ। ये आप दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाए। फिर है अयादि संधि, अयादि संधि में सी के साथ भिन्न स्वर आता है, पो जमा अन, सी, सी ग्रुप के साथ कोई अन्य स्वर आता हो, ए का या बी का, सी के साथ ए जुड़े या बी ग्रुप का स्वर जुड़े, वहां पे अयादि संधि आती है। और मैंने बताया था ए भाई याद कर ले, अव और आए, अव और आए आते हैं, और इसमें सीधे शब्द होते हैं, तीन अक्षरों के शब्द मिलेंगे, लेकिन नीचे की कोई भी मात्रा उसमें नहीं होती है, छोटे ऊ की बड़े ऊ की मात्रा कभी नहीं मिलेगी। पवन, पवन, शयन, नैन, गायक, ये सब मैंने, ये मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट है वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में मैंने आपको बताया था ए के साथ सी ग्रुप, यानी ए स्वर के ग्रुप के साथ सी ग्रुप का स्वर मिले, वहां पे वृद्धि संधि होती है। मैंने आपको बताया था आए और औ की मात्रा इसमें होती है, यानी डबल मात्रा होती है, ऊपर की साइड दो मात्रा होती है, वृद्धि मिलेगी आपको, दो मात्राएं मिलेंगी, या तो आए की दो मात्रा मिलेंगी या औ की दो मात्रा मिलेंगी, और जहां पे भी जितने भी शब्दों में इन दो में से कोई मात्रा मिले वो वृद्धि संधि। तो परम का है और औसत का ओ मिलके बड़ा ओ बन गया, औ औरत, परम औसत, ये संधि आपको याद हो गया। दीर्घ संधि के लिए मैंने बताया था सवर्णी शब्द, सवर्णी शब्दों में मैंने आपको बताया थे पांच सवर्णी शब्द होते हैं। सवर्णी शब्दों का पहला जोड़ा है ए आ, दूसरा जोड़ा है ई ई, तीसरा जोड़ा है ऊ औ, चौथा जोड़ा है ए आए, और पांचवा जोड़ा है ओ औ। ये पांच जोड़े जब भी मिलते हो, सवर्णी शब्द मिलते हो, जब यानी जब दो शब्द जुड़ेंगे तो उनका पहला और लास्ट का अक्षर देखेंगे तो वो वर्ण आपका सवर्णी होना चाहिए। जैसे कवि में ई छोटी और ईश्वर में बड़ा ई, छोटी ई के साथ बड़ी सवर्णी शब्द हो गए, यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि हो गई, कवीश्वर इसका आंसर हो जाए। तो मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। अब दो संधि के एग्जाम्पल दोबारा ले लेता हूं, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। व्यंजन संधि के लिए मैंने आपको बताया व्यंजन के साथ या तो व्यंजन मिले या स्वर का कोई सा भी ग्रुप मिले, ए बी सी कोई सा भी मिले, जैसे जगत में तय, तय है व्यंजन, और ईश में ई है स्वर, या तय के साथ यानी व्यंजन के साथ स्वर मिला है जो कि बी ग्रुप का है जगदीश, ये पे व्यंजन के साथ, यानी पहले शब्द का अंतिम अक्षर व्यंजन हो, वहां पे व्यंजन संधि हो जाएगी। विसर्ग संधि के लिए मैंने आपको बताया पहला शब्द विसर्ग हो जिसमें विसर्ग लगाओ, मने प्लस विज्ञान, मने में मने और विज्ञान में ई की मात्रा आ रही है, यानी विसर्ग के साथ स्वर की मात्रा आ रही है, मनोविज्ञान, आराम से आप इनको हल कर पाएंगे। और वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को भेजें। अनअकैडमी पे मेरा प्रोफाइल आपको मिल जाएगा डॉक्टर पुनीत गोयल के नाम से, DRPUNITGOEL के नाम से आपको मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा अनअकैडमी पे, तुरंत फॉलो कीजिए मुझे, फॉलो का बटन आपको दबाना है, यहाँ पे भी आपको मेरी सारी वीडियो मिल जाएंगी। 30 सालों से मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करा रहा हूँ, 2 बार नेट क्वालिफाई कर चुका हूँ, और A2Z करियर्स में डायरेक्टर हूँ। मैथ DI रीजनिंग वीडियो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं मेरी नई से नई वीडियो, रोजाना सुबह 8 बजे मेरी वीडियो आपको रोजाना मिल रही है पिछले 2 महीने से। मैं कोशिश करता हूं एक वीडियो लगातार आपको जरूर दूं, और ये सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें, साथ में बेल वाला आइकन भी दबा दें। A2Z करियर सीक्रेट ट्रिक्स, आज मेरी फैमिली में आप लोग 46,000 के करीब हो चुके हैं, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल, जल्दी से इसे 50,000 सब्सक्राइबर बनाना है। थैंक यू वेरी मच फॉर शोइंग कॉन्फिडेंस इन मी। और अगर आपको मेरी वीडियो की PDF चाहिए तो ये मेरी वेबसाइट का लिंक है A2ZCareers.widen.io, यहां से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, सायोनारा, विल मीट यू टुमारो, टिल देन बाय, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, और लाइक तो बनता है तो लाइक जरूर दबा दें। थैंक यू वेरी मच, विल मीट टुमारो, टिल देन बाय।